गुरु के पीछे जानकी जी खड़ी हो गई। ये सेविका, ये जो सखी है इनकी, ये इस समय गुरु की भूमिका है, चल मेरे पीछे पीछे आ। और हमेशा गुरु के ही पीछे चलिए, गुरु के ही कदमों के अनुसार चलिए, उसके कदमों के ही पीछे पीछे चलिए। कभी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कभी मोच नहीं आएगी, कभी धोखा नहीं होगा। हो सकता है कि सत्य ज्यादा बोलने में धोखा हो जाए, लेकिन अहित नहीं होगा। जो धोखा कर देगा वो अशांत रहेगा, आप इतने से संतुष्ट हो जाएंगे, उसी के भाग्य कथा कर लिया, चल जैसी करनी वैसी भरनी। किसी न किसी सत्पुरुष के मार्गदर्शन में, किसी न किसी सत्पुरुष के इशारों में, किसी न किसी सत्पुरुष के कदमों में शीश झुकाए रहिए, और किसी न किसी सत्पुरुष के ही अनुगामी बने रहिए। वो जैसे चलते हैं, वो जैसा आचरण जीवन का करते हैं, वैसे 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 गुरु ही बेड़ा पार लगाता है। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। गुरु बिनु भावनी आज सके गुरु की भूमिका में हो। जो बिरंचे शंकर सम आगे आगे सखी कहाँ 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 भगवान कहाँ है? वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में, अयोध्या में, कहाँ कहाँ? हम लोग करते हैं ना, यहाँ वहाँ, बोले मेरे पीछे पीछे चली आओ, अभी यहीं थे, मिल जाए। तो भगवान की यात्रा कई बार निराश कर देती है, लेकिन यात्रा शुभ है, इसको बंद मत करिए, बंद मत। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, कभी न कभी कभी। तो जब जानकी जी चली तो पूरे साजो श्रृंगार के साथ थी, राज परिवार की बिटिया थी, तो चलने से उनके आभूषण बजने लगे। किन किन करधनी जो थी, कटी में जो करधनी थी, और पायल नूपुर छम 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 छम, ऐसे भगवान ने पुष्प चयन रोक दिया और टकटकी लगाकर उस दिशा की ओर देख रहे हैं कि कौन आ रहा है। लक्ष्मी का प्रभु क्या हुआ क्या हुआ? बोले लखन, आज ऐसा लगता है कि कामदेव मुझे परास्त करने आ रहा है सेना लेकर। मानो मदन दुंदुभी दीनी, मानो कामदेव ने मुझे जीतने के नगाड़े बजा दिए हों। भगवान छोटे भाई से कामुक चर्चा करने लगे, कभी नहीं की जाती है, कभी नहीं की जाती है। आज भी कोई भाई बड़ा किसी के प्रति आकर्षित होता है तो दोस्तों को तो बता देता है, बहन को बता देगा कभी कभी, लेकिन वो भाई से कभी चर्चा नहीं करता, छोटे भाई। और भगवान टकटकी उसी दिशा में देख रहे हैं, कौन आ रहा है, चक चक के देखते हैं। देखिए, हम भगवान के दर्शन के लिए आंख खोलकर लालायित होकर खड़े हैं, ये सामान्य दर्शन है। भगवान टकटकी लगाकर हमारी प्रतीक्षा में खड़ा है, ये भाव की पराकाष्ठा है। आप बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, फूल बंगला सजा है, पर्दा लगा है, बिहारी जी के सामने आंगन में आप हाथ जोड़े भीड़ में खड़े हैं, टकटकी लगाकर पर्दे की ओर देख रहे हैं कि कब पुजारी जी पर्दा हटाएं और कब हम फूल बंगले में सजे हुए ठाकुर जी का दर्शन करें। ये सामान्य दर्शन है, फूल बंगला सजा है, बिहारी जी फूल बंगले में सजे खड़े हैं, पर्दा लटका हुआ है और भीतर खड़े खड़े बिहारी जी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, अकुला रहे हैं कि पुजारी कब पर्दा हटाए और कब मैं अपने भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा। प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों ओर से होता है। हम तो मरे जाते हैं, तुम ध्यान ही नहीं देते, ये शिकायत रहते ना संसार में, हम तो तुम्हारे लिए मरे जाते हैं और तुम हो कि तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। नो, दोनों ओर से होता है। और हमने ठेका नहीं ले लिया कि हम ही दौड़ दौड़ कर जाए। क्या बिहारी जी के मन में अकुलाहट नहीं होती कि इतनी देर हो गई आया क्यों नहीं है? वो नहीं उचकते, उनको बेचैनी नहीं होती है।